तो आप सामने देख रहे हैं कितने ज्यादा खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ है केदारनाथ धाम। तो ये आप सामने देख सकते हैं मंदिर के दर्शन करा रहे हैं हम आपको केदारनाथ धाम के। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, केदारनाथ धाम जो है ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं पीछे काफी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, चारों तरफ काफी भीड़ रखी है और हम भी भाई फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे और काफी हमें अच्छा लगा यहाँ पर और दिल को काफी सुकून मिल रहा है। आप भी यहाँ पर आ सकते हो, मेरी वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हो, तो हम इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे आप। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे केदारनाथ धाम जो है ओपन हो जाएगा कल, और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नाइट का हुआ है और देख सकते हो काफी ठंड हो रही है और देख सकते हो -4 डिग्री भी जा सकता है, लेकिन ठंड वगैरह इसके आगे कुछ नहीं है और हम दर्शन करेंगे। बहुत ज्यादा सुकून लग रहा है हमें यहाँ पर, आप देख सकते हो, और फूलों से जो है सजा हुआ है काफी 2023 में, और बाकी हम जानकारी आपको देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। तो ये आप सामने देख सकते हो फूल वगैरह से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम, आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है यहाँ पर और मन को काफी सुकून मिल रहा है हमें। और आप देख सकते हो अगर आप सुबह तक आओगे तो सुबह तक जो है काम हो जाएगा सारा, फिलहाल तो आपको पता ही होगा बर्फबारी हुई है तो यहाँ पर थोड़ा डिले हो गया, बाकी तो आप आ सकते हो। तो ये आप सामने देख सकते हैं मंदिर के दर्शन करा रहे हैं हम आपको केदारनाथ धाम के, और सामने है देख सकते हो फूलों से पूरा सजाया हुआ है, आप दर्शन करिए। ये रात का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं और अभी दिन में जो है कपाट खुल जाएंगे तो हम सारी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। और देख सकते हो कितना खूबसूरत दृश्य है, मतलब जितनी हम यात्रा करके आए ना ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है हमें। और देख सकते हो अभी तो कपाट जो है बंद है, सुबह खुल जाएंगे फिलहाल तो। और ये यहाँ पर देख सकते हो आप काफ़ी जो है श्रद्धालु आए हुए हैं और ये फूलों से बनाया हुआ है, और ये नंदी जी हैं सामने हमारे, और कपाट देख सकते हो अभी तो फिलहाल बंद है, सुबह तक खुल जाएंगे। और सारा जो है मंदिर जो है फूलों से सजाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, और आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी श्रद्धालु जो है दूर दूर से आए हुए हैं और वहाँ पर नाच गाना चल रहा है, सब जो है काफ़ी खुश है। केदारनाथ धाम जो है यात्रा मैंने आपको दिखाई और देख सकते हैं डांस चल रहा है यहाँ पर, नाच गाना। तो केदारनाथ धाम के जब धाम बंद किए जाते हैं तो यहाँ पर एक चिराग जलाया जाता है, और जब दोबारा खोले जाते हैं ना तो वो चिराग उसी 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 समय जल रहा होता है उसी टाइप से जैसे छोड़ के जाते हैं। तो बाकी हम आपको दर्शन कराएंगे जब ओपन हो जाएगा सुबह तक। अभी आप देख सकते हो फूल वगैरह से अभी सजाया जा रहा है और काफ़ी भव्य दिख रहा है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दृश्य होने वाला है। और वहाँ पे जो कैंप वगैरह लग रखे हैं काफ़ी सारे पीछे देख सकते हैं सामने ही भाई। रात को ना हम पता कहाँ रुके थे, पीछे आप टेंट देख रहे हो ना वहाँ पर रुके थे भाई, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना रात में और हम ढूंढ रहे थे पहले रूम वगैरह, तो हमें काफ़ी मुश्किल जाके मिला ये, और वो भी रूम नहीं मिला, टेंट मिला जिसमें कि 3 बंदे थे हम, उसमें गद्दे वगैरह हमें मिल गए जो कि आपको 600 से 700 रुपये तक में मिल जाता है यहाँ पर, और बाकी हम चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो भाइयों कुछ इस तरह से एक पुल बनाया हुआ है यहाँ पर, मंदिर ऊपर है, देखो कैसे नदी बह रही है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, ठंड बहुत ज़्यादा, हर हर महादेव भाई, इतना कोहरा हो गया कुछ दिख ही नहीं रहा है, पहाड़ वगैरह सब छुप गए हैं देख सकते हो आप। और भाई कुछ इस तरह से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं, और ये सामने है मार्केट यहाँ पर केदारनाथ धाम के पास में ही, और देखो भाई काफी लंबी लाइन है कसम से। और सामने आपको धाम दिख रहा होगा जय श्री केदार, और आप देख सकते हो बर्फबारी जो है काफी हो रखी है यहाँ पर टीन वगैरह के ऊपर भी, और हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं केदारनाथ धाम के। Okay.
और एक यहाँ पर चित्र बना हुआ महाकाल का आप देख सकते हैं, और काफी जो है यहाँ पर खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं। और आपको दर्शन कराने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए थे, और देख सकते हो चारों तरफ काफी रौनक है और सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और काफी जो है आनंद आ रहा हमें भी। और यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, और बाकी है यहाँ पर तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम जी की, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट लगाई हुई है और देख सकते हैं आप, और ये रुद्राक्ष है यहाँ पर, आपको यहाँ से रुद्राक्ष वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ धाम के, और काफ़ी जो है माहौल बना हुआ है यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पर आप देख सकते हो फूलों से पूरा सजाया हुआ है, और चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ, और ये यहाँ पर आप होटल वगैरह में रुक सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रुकते हैं तो सामने ही आपको बाबा के दरबार सामने ही दिख जाएगा, और काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छा लग रहा है हमें। और ये लाइन लगी हुई है दरबार में दर्शन करने के लिए, और काफ़ी भीड़ देख सकते हो आप आई हुई है यहाँ पर चारों तरफ। तो आप सामने देख रहे हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ है केदारनाथ धाम, और चारों तरफ काफी रौनक हो रही है आप देख सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर सुकून मिल रहा है, बाबा का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अच्छा, सुबह से कपाट खुलने से ही मेरा दर्शन हो गया आपका। और बाबा की कृपा से हर बार मैंने दर्शन किया, यह तीन बार हो गया केदारनाथ। अच्छा, तीन बार आ चुका हूँ। सुकून लगता है यहाँ पर आकर? हाँ, सुकून, एकदम सुकून, और जो भी मन्नत है पूरा हो जाता है। यही है सच्चा दरबार जो की केदारनाथ बाबा हिमालय के बीच में खड़े केदारनाथ बाबा के, और सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम है कि वो लोग भी आए बाबा का दर्शन कीजिए। हर एक लोग का ड्रीम होता है कि वो भी आए केदारनाथ दर्शन किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी फैमिली आए पूरे तैयारी से आए, अपना जैकेट लीजिए, लेडी कोट लीजिए, ग्लोव लीजिए, मेडिसिन लीजिए, सब लीजिए, ठंड से बचने के लिए कपड़े वगैरह लेकर, और बाबा का दर्शन आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दर्शन करने का। आराम से बाबा बुलाया इतना दूर से, तो आराम से दर्शन भी बाबा जरूर होंगे। बिल्कुल हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय केदारनाथ। तो ये आप देख सकते हैं, ये भीमशिला है। इसकी ये मान्यता है कि माना जाता है कि जो 2013 में आपदा आई थी ना, तो ये पानी से मतलब फिसलता यहाँ तक आके और यहीं रुक गया था। इससे क्या हुआ था कि दोनों तरफ पानी डिवाइड हो गया था मंदिर के, जिससे कि मंदिर जो है सुरक्षित हो गया था। तो भाई ऊपर वाले की कृपा है, देख सकते हो आप। और आप देख सकते हैं ये मंदिर के दर्शन करा रहे हैं हम आपको, और कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको रहने के लिए भी कमरे वगैरह मिल जाएंगे सामने ही। अभी हमने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं, और कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्राउड है भाई, बहुत है, बहुत दिल तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप दर्शन कर रहे हैं शंकराचार्य की मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थापित करी गई है। तो भैया मान्यता क्या है यहाँ पर, ये मतलब ये कैसे स्थापित हुई थी यहाँ पर? मान्यता ये है इसकी कि 8वीं शताब्दी में पांडवों के बाद दोबारा इन्होंने पंच केदारों का पुनर्निर्माण किया था, जिसमें आपके केदारनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ आते हैं। और ये मूर्ति कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं है, इसे 18 शिल्पकारों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इसे हमारे देश के सेलेक्ट किया था। और मामूली मूर्ति नहीं, अगर इसको हम कहीं से भी गिराएं कोई खास पत्थर से बनाई गई है, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। अच्छा, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। अच्छा, शुक्रिया भैया। ठीक है, तो अभी हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए थे केदारनाथ धाम। तो इन साधु भावा से हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, तो क्या क्या मान्यता है यहाँ पर? बाबा जी आए वैसे भाई जी हरियाणा फरीदाबाद से। अच्छा, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहले गुरु महाराज सुनाते थे जो भीम थे उनके पीछे पड़े थे, वहाँ से क्या नाम वसु केदार इनके पहले पड़ाव था, दूसरा पड़ाव हुआ था इनका क्या नाम गुप्त काशी। अच्छा, वहाँ गुप्त हो गए थे शंकर भगवान। अच्छा, गुप्त काशी से गुप्त हो गए थे। हाँ, गुप्त हो गए थे। फिर वहाँ भीम को चकमा दे गए थे। भीम को चकमा दे, चकमा देने के बाद यहाँ भैंसे का रूप लिया था शंकर भगवान, यहाँ पर भैंसे का रूप ले लिया था। अच्छा, भैंसे का रूप लिया था। फिर इनका जो शीश का पूजा होता है वो दूसरे विदेश नेपाल काठमांडू होता है। अच्छा, वो विदेश में? हाँ, नेपाल में। यहाँ धड़की पीठ की पूजा होती है। अच्छा, यहाँ पर पीठ की पूजा होती है, मतलब भीम जी ने पकड़ ली थी पीठ? हाँ, पीछे से पूंछ पकड़ लिया था। अच्छा, तो भाइयों आप देख सकते हो कितनी हैवी स्नोफॉल हो रखी है यहाँ पर। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये हेलीपैड एरिया है, यहाँ पर ही जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो यहाँ पर लैंड किए जाते हैं। और वहाँ सामने एक हेलीपैड हमें दिख रहा है, और सारा भाई बर्फ़ बर्फ़ से ढका हुआ है भाई, काफ़ी जो है यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, और काफ़ी जो है आने वाले दिन में भी भाई बर्फ़ हो सकती है यहाँ पर। तो ये है एक रेस्टोरेंट यहाँ पर, यहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आपको लेकर आ गए हैं केदारनाथ धाम। आप देख सकते हैं बहुत ही पवित्र जगह है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं। हम आपको दर्शन करा रहे हैं और काफी हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई हम स्वर्ग में आ गए हैं भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है अगर आप भी हमारे थ्रू यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और भाइयों कमेंट में लिख देना जय महाकाल, हर हर महादेव, महादेव।